नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर अरोड़ा है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आरवी हेल्थ केयर सेक्टर 90 से बोल रहा हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसे मिर्गी या खींच के नाम से जाना जाता है। एपिलेप्सी एक दिमागी बीमारी है जिसमें कि दिमाग के अंदर एक करंट की दौड़ने की वजह से आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। ये एक तरह की शॉर्ट सर्किटिंग होती है। ये या तो दिमाग के एक हिस्से से हो सकती है या पूरे दिमाग पे एक साथ करंट की समस्या हो सकती है। जो एक से हिस्से से होती है उसे फोकल सीजर्स बोलते हैं, जो पूरे दिमाग से एक साथ करंट की समस्या आती है उसे जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। इसके कारण बचपन से लेकर बुढ़ापे तक में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में ऑक्सीजन की कमी होने से या कई मेटाबॉलिक कारणों की वजह से या कोई जेनेटिक बीमारियों की वजह से दौरे आ सकते हैं। बुढ़ापे में कोई ट्यूमर की वजह से या कोई लकवे की वजह से या सर पे चोट लगने की वजह से दौरे आ सकते हैं। इसी तरह बीच में यंग एडल्ट्स में या इन्फेक्शन की वजह से या सर पे चोट लगने की वजह से दौरे आ सकते हैं। आमतौर पे दौरे आने का कारण जो रहता है, जिसमें कि मरीज की दवाई छूटना, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस होना, खाना स्किप होना, इन सब के हो सकता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें जो शरीर का टाइट होना, झटके आना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, बार बार अपलक झपकना, ये अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। अगर हम एपिलेप्सी की डायग्नोसिस की बात करें तो आमतौर पे इसके लक्षणों के आधार पे ही इसका डायग्नोसिस बनता है। अगर उसके अलावा हमें इस केसेस में एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है और ईईजी टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम इसके इलाज के संदर्भ में बात करें तो आमतौर पे 60-70% लोगों को एक सिंगल दवाई से इलाज से फायदा मिलता है। कुछ एक मरीजों में हमें एक से ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। करीबन 80% लोग दवाइयों से अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों में उसके बावजूद, अगर दवाइयों के बावजूद दौरे आते हैं तो 10-15% मरीजों में सर्जरी भी एक हल माना गया है। अगर हम इसके लाइफ पे इम्पैक्ट की बात करें तो आमतौर पे एपिलेप्सी आज की डेट में एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है, जो कि लोग एपिलेप्सी के मरीजों को जॉब नहीं मिलना, स्कूल नहीं जाना, ऐसे करके उनको इग्नोर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एपिलेप्सी के मरीज भी, उनको भी पढ़ाई का हक है, उनको भी नौकरी का हक है। हाँ, कुछ एक ऐसी नौकरियां हैं जो उनके लिए नहीं, जिनके लिए वो एलिजिबल नहीं है, जैसे कि ड्राइविंग, हाई अनगार्डेड मशीन्स पे काम करना, इन सारी जॉब्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है। बट उसके अलावा अदर जॉब्स के लिए उनको कंसिडर करना चाहिए। एपिलेप्सी के बारे में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, जैसे कि एपिलेप्सी छूने से फैलती है। ये बिल्कुल भी छूने से नहीं फैलती है, उल्टा जब किसी मरीज को दौरा आता है तो उस समय उसको आपके केयर की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि एपिलेप्सी किसी भूत प्रेत की बीमारी है या पागलपन की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दिमागी समस्या है जो कि इलाज से ठीक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो आजकल की मॉडर्न मेडिसिन है ये एपिलेप्सी के मरीजों में बिल्कुल भी काम नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 60-70% मरीजों को एपिलेप्सी की दवाइयों से अच्छा फायदा मिलता है। उसके अलावा कुछ लोगों को नई दवाइयों से एडिशनल बेनिफिट मिलता है, कुछ लोगों में सर्जरी हेल्प करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोगों में एपिलेप्सी बिल्कुल क्योर भी हो जाती है, तो एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल बीमारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टिप्स अगर केयर गिवर्स के लिए और फर्स्ट एड दौरे के टाइम पे अगर कुछ क्या करना चाहिए, तो जैसे कि किसी को दौरा आता है उसी समय जो केयर गिवर है मरीज को एक साइड करवट लेटा दे, उसके सर के नीचे तकिया या सॉफ्ट कंबल कुछ भी ऐसा रख दे। कृपया उसके मुंह में कुछ भी डालने का प्रयास ना करें, ना चम्मच, ना चाबी, ना जुराब, कुछ भी उनके मुंह में ना डालें। और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीले ऑब्जेक्ट उनसे थोड़ा उनको दूर कर दें। एज अ टिप फॉर केयर गिवर, आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में एक एपिलेप्सी का मरीज है तो आप घर में पूरे कारपेट बिछा के रखें, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स जितने कम हो सके उतना वो दूर रखें। कोशिश आप खुद से मरीज की दवाइयों को सुपरवाइज करें, टाइम टू टाइम दवाई जाए। ये ध्यान रखें कि मरीज की नींद पूरी हो रही है या वो किसी स्ट्रेस में नहीं है। धन्यवाद।